नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं हम लोग। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में UKPSC की जो परीक्षाएं हैं जो लीक हुई हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस देवभूमि में हो रहा है, इसके संबंध में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आप सबके बीच उपस्थित हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो ये देवभूमि है, जो देवभूमि ऋषि मनीषियों की भूमि कही जाती है, जिस देवभूमि के लिए शहादत दी है हमारे युवाओं ने, हमारी माँ बहनों ने, हमारे जो जितने भी बुजुर्ग रहे हैं, जितने हमारी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ा बलिदान की कथा रही है उस उत्तराखंड को बनाने में। लेकिन आज इस देवभूमि को किस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में अभी UK SSSC का हमने देखा है कि UK SSSC में अभी कुछ ही दिनों की बात है, वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं। अब लोक सेवा आयोग को आप देखिए, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसपे पूरे उत्तराखंड के युवाओं को, पूरे उत्तराखंड के जो जितने भी हमारे जनमानस हैं, उन सबको एक यकीन था कि ये अब जाके कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, निराशा का माहौल बना हुआ है पूरे उत्तराखंड में, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि, ना ही कोई सरकारी महकमे में बैठा हुआ कोई अधिकारी, किसी भी प्रकार से कोई अपनी नैतिकता का परिचय नहीं दे रहे हैं। ना अभी तक हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब का अगर आप देखें, ना तो उन्होंने अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के सचिव, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक उनके द्वारा नहीं की गई है इस मुद्दे को लेकर, अभी तक कोई बात उन्होंने नहीं रखी है। नैतिकता के तौर पे जो उन्हें कहना चाहिए था, युवाओं के लिए जो उनका संदेश होना चाहिए थे, जो एक विश्वास होना चाहिए था, जो टूट गया है विश्वास, इस विश्वास को बनाने के लिए ना तो सरकार का अभी तक कोई प्रयास है, ना लोक सेवा आयोग का अभी तक कोई प्रयास किया गया है। क्या राज्य निर्माण इसलिए किया गया था दोस्तों? क्या बलिदान इसलिए दिए गए थे? मसूरी कांड में जो शहादत हुई है, खटीमा कांड में जो शहादत हुई है, जो आपके मुजफ्फरनगर में कांड में शहादत हुई है, उन शहीदों की आत्माएं आज क्या क्या बीत रही होगी उस पर, और क्या उनको किस तरह से आज जवाब दे पाएंगे हम? उत्तराखंड इतिहास के आंदोलन में जो इतिहास है, क्या उसके साथ न्याय हो पा रहा है? आज उत्तराखंड की 1 करोड़ की जो जनता है उसके साथ ये किस तरह का घिनौना कृत्य किया जा रहा है? जो देवभूमि राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी देवभूमि जो थी, वो माँ बहनों की सुरक्षा के लिए, हमारी पारदर्शिता के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज के लिए ये देवभूमि जानी जाती थी। लेकिन आज जब हम जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमारे ऊपर छींटा कसी हो रही है। आज देवभूमि लीक पेपर के रूप में देखिए आप, चाहे आप महिला सुरक्षा के मामले में देखिए, शासन प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार के मामले में देखिए, आज उत्तराखंड पूरी तरह से, एक तरह से कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। तो ये जो आज हम सब आपके बीच उपस्थित हुए, इसी चीज को लेकर उपस्थित हुए कि जितनी भी ये परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जिस भी प्रकार से ये परीक्षाएं लीक हो रही हैं, मैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से सविनम्र निवेदन करता हूं, मैं लोक सरकार से सविनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस मसले पर, जो उत्तराखंड के युवा हैं, जो सरकार युवाओं के नाम पर आई है, सत्ता में आई है, वो सरकार कृपया करके, वो आयोग कृपया करके युवाओं का भरोसा दिलाए कि भाई जो भी ये परीक्षाएं हुई हैं, जो कुछ भी लीक हुआ है मामला, इस विश्वास को पुनः कायम किया जाए। नैतिकता के तौर पे तो ये होना चाहिए था कि अभी तक लोक सेवा आयोग ने इस्तीफा नहीं दिया, अध्यक्ष ने ना सचिव ने, एक वो लाल बहादुर शास्त्री थे जो रेल दुर्घटना होने पे एक इतने बड़े व्यक्ति ने रेल मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया था, और आज इतने लाखों करोड़ों युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ खेला जा रहा है। तो क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ये नैतिकता नहीं कि वो इस्तीफा दें? क्या लोक सेवा आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, क्या उनकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन सब की बारीकी से जांच नहीं की जानी चाहिए? AE में धांधली की खबरें आ रही है, JEE में धांधली की खबरें आ रही हैं, जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी सुनने में आया फॉरेस्ट गार्ड को आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, आपने पुलिस कांस्टेबल को क्लीन चिट दे दी है, आपने 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी जांच कर ली है और 24 घंटे के अंदर आपने 2 लाख से अधिक पेपर छाप दिए, आप कह रहे हैं कि क्लीन है सारा मामला। बिल्कुल इस मामले में कोई भी युवा खामोश नहीं रहेगा, और ना मेरा सिर्फ सरकार से बल्कि उत्तराखंड के युवाओं से, उत्तराखंड के अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इस तरह से इस देवभूमि का नाश मत कीजिए, इस तरह से युवाओं के जीवन के साथ बिल्कुल मत खेलिए। और सारे युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, उनके अभिभावकों से अपील करना चाहूंगा, सरकार अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाती है, सरकार यदि समय रहते युवाओं को पुनः विश्वास में नहीं लेती है, तो सारा जनमानस, सारे युवा सड़कों पर आएंगे और इतिहास भरा पड़ा है,
सत्ताधारियों को बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी आयोग के जितने भी मेंबर उनको बता देना चाहता हूँ कि जब जनता सड़कों पर आती है तो सिंहासन डोलने लगता है, इतिहास भरा पड़ा है, ये संपूर्ण क्रांति का समय है। ये जयप्रकाश नारायण की आत्मा अगर एक एक युवा में आ गई, जयप्रकाश नारायण अगर एक एक युवा में और एक एक जनमानस में पहुंच गया दोस्तों, तो संपूर्ण क्रांति होगी। उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं जितने भी सत्ताधारी हैं, जितने भी आयोग के मेंबर हैं, जितने भी सभी लोग हैं, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि समय रहते इस पूरी सिस्टम में जो कबाड़ा है, इस पूरी सिस्टम में जो पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है, जो पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, जल्द से जल्द इस सिस्टम को सुधारा जाए। नहीं तो युवा बेताब है सड़कों पर आने के लिए, और ऐसा जन सैलाब होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में एक एक की कुर्सियां खतरे में होंगी, वो चाहे सत्ता पे बैठे हुए हो चाहे आयोग में बैठे हो। अब युवा आराम से नहीं बैठने वाला है, क्योंकि आप युवा के जीवन के साथ खेल रहे हैं, उनके अभिभावकों के साथ खेल रहे हैं। और जो भी आपने परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं इससे पहले की हुई हो, वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं, सबको तुरंत स्थगित किया जाए। जितनी भी पूर्व की परीक्षाएं उसमें बारीकी से जांच की जाए, और कई प्रश्न हमारे ऐसे हैं जिन प्रश्नों का जवाब सरकार को भी देना है और आयोग को भी देना है। और इस संबंध में आगे की जो भी बातें, मेरे साथ माननीय हमारे भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं, और जितनी भी परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं में क्या क्या जो भी चीजें रही हैं, भंडारी जी आपको बताएंगे कि किस तरह से परीक्षाओं में धांधली हुई और क्या आगे की रणनीति होनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम लोग भी अभ्यर्थी हैं, हम लोगों की भी परीक्षाएं हैं और हम लोगों का जीवन भी दांव पे लगा है। तो मैं भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि वो परीक्षाओं के संबंध में कुछ बताएं आपको। नमस्कार साथियों, जैसा कि जो रोष इस समय दिनेश पडियार सर में दिखा, जो उद्वेग है मैं उसका सम्मान करता हूं। और ये जो रोष की स्थिति है, ये आज केवल दिनेश पडियार सर में नहीं, हर उस उत्तराखंड के विद्यार्थी में, अभ्यर्थी में, या फिर मैं कहूं अभिभावकों में है जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वो अपने दिन दिन भर पढ़ते हैं, बहुत लंबा समय वो अपना प्रतियोगी परीक्षाओं को दे देते हैं, और उसके बाद जब वो देखते हैं कि परिणाम के रूप में उन्हें क्या मिलता है, तो परिणाम के रूप में उनके सामने ये धांधलियाँ आती हैं जो कि अभी आप लोगों के सामने आई हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ और जो मुद्दे हैं उनको हमको समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आखिरकार युवाओं को इसका विरोध करना क्यों चाहिए। देखिए, जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीसीएस परीक्षा की, सबसे पहले पीसीएस मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे आयोग के नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि भाई वो मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना लोगों को लेकर के जाएंगे, 15 गुना अभ्यर्थियों को लेकर के जाएंगे। लेकिन आज आप देख पा रहे हो कि लगभग 11,000 अभ्यर्थी यहाँ पर मेंस परीक्षा देने वाले हैं, जो कि 15 गुना से कई गुना ज़्यादा हैं। और उसमें भी अगर आप रेशियो देखेंगे, जो बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो है, उसमें एक आपको भारी विषमता देखने को मिलेगी, भारी असमानता वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लगभग जहाँ तक मेरे को जानकारी है, लगभग एक के अनुपात में 18 लड़के हैं और एक के अनुपात में 82 के आसपास लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि सीधा सीधा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता के अधिकार का उल्लंघन इसलिए है कि जब आप एक और कह रहे हैं कि जो लड़के हैं उनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स, अगर मैं जनरल में बात करूं, वो 91 नंबर है, और आप कह रहे हैं कि बाहर की जिन महिला अभ्यर्थियों को आपने पहले लिया, उनको आपने महिला आरक्षण के तहत लिया, और अब आप कह रहे हैं कि वो फाइट करेंगे उनके साथ जो 91 नंबर कट ऑफ को क्लियर करके जिन्होंने प्राथमिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो अब कोई व्यक्ति जो 71, 72 या 73 नंबर पे जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसने प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, वो उसके साथ कैसे कम्पीट कर सकता है जिसने 91 नंबर के साथ प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है? ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसमें आपको संशोधन करना ही चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो आपका मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो पिछले साल जून जुलाई के आसपास का तैयार होगा, क्योंकि अगस्त की जो तिथि थी वो मुख्य परीक्षा की तिथि थी, और आप जिद पर अड़े हुए हैं कि आप उसी पेपर को करवाने वाले हैं, जबकि इतना कुछ सामने आ चुका है कि जो आपके आयोग में ही सदस्य थे, अब नाम तो उनका क्या लूं, ठीक है, जिन्होंने कि आपका पेपर सारे लीक करवाए हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उन्होंने अकेले एक पटवारी के प्रश्न पत्र को लीक करवाया हो और बाकी के जो प्रश्न पत्र थे वो उन्होंने लीक ना करवाए हो? ऐसा विश्वास तो आज की डेट में कोई भी अभ्यर्थी हो, अभिभावक हो, या फिर कोई भी छात्र हो, वो ऐसा विश्वास आयोग के ऊपर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग ने अपनी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह स्वयं लगाया है। उससे पहले तो जो हमारे छात्र लोग थे वो आयोग के ऊपर विश्वास कर ही रहे थे, उनको लगा था कि अधीनस्थ आयोग ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, एक जिम्मेदार संस्था है, और यहाँ उनके साथ न्याय होगा। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की परीक्षाएं दी तो क्या उनके सामने आया, ये सब आप लोगों के सामने है। तो इसलिए भी आप लोगों को एक तो मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए, इसका जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, और दूसरा, जब यह मामला अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और 7 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई करनी है, तो भाई आपको ऐसी कौन सी जल्दबाजी है इस परीक्षा को करवाने की?
इतने आप लोग जो आपकी परीक्षाएं हैं आयोग की पीसीएस की परीक्षाएं उत्तराखंड में, आज तक मेरे ख्याल से पांचवी परीक्षा ये उत्तराखंड पीसीएस की होने वाली है, 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, तो आप एक परीक्षा, मैं अगर मोटा मोटा कहूं तो 4-5 सालों में आप एक बार परीक्षा को करवाते हैं, और अभी आप लोगों को 1-2 महीने का वेट करने में ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि आप लोग अड़े हुए हैं कि आपको 28 जनवरी से ही परीक्षा को करवाना है, वो भी तब जब छात्रों के मन में एक अविश्वास की भावना भरी हुई है, वो मान चुके हैं कि भाई इसमें जो आपके कृमि पद हैं कम से कम वो तो सारे के सारे बिके हुए हैं। ये हर छात्र जानता है, आज की डेट में हर छात्र का ये विश्वास है कि जितने भी आपको सो कॉल्ड क्रीम पद हम जिनको कहते हैं लोक सेवाओं में, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं सेंटर में तो हम आईएएस आईपीएस आईएफएस को बोलते हैं, जब स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं तो जो आपके डीएसपी एसडीएम के पद होते हैं उनको सामान्यतः इसी नाम से जाना जाता है। तो जब पता है कि ये सारे के सारे पद बिक गए होंगे तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र होगा वो क्या मुंह लेकर के जाएगा मुख्य परीक्षा देने, क्या उसने किसी नीचे के पद के लिए तैयारी की थी? ध्यान रखिएगा, एक यथार्थ यही है कि जब कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो आईएएस बनने के लिए करता है, ठीक है, और जब कोई आपका स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है तो एसडीएम बनने के लिए ही करता है, वो बात और कि जब उसका परीक्षा परिणाम आता है तो उसको उसमें कौन सा पद मिलता है। तो एक तो इसमें आयोग को यहां पर सोचना चाहिए, इस जो परीक्षा की तिथि है इसको स्थगित किया जाना चाहिए, पेपर दोबारा बनाया जाना चाहिए, वो जून जुलाई वाला पेपर अब नहीं होना चाहिए, पेपर दोबारा से सेट होना चाहिए, और जो आपने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में लेकर के गए हैं उसको आपको रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए, और उनको बाहर करने के बाद जो कि आपका न्याय संगत तरीका है उस तरीके से ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आपकी एंटी वाला पेपर हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान हो उसमें 12 नंबर का बोनस दिया गया था। एक आयोग जो कि लोक सेवा आयोग है, किसी राज्य की परीक्षा कराने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, वो 12 प्रश्नों की गड़बड़ी करती है मात्र 150 नंबर के पेपर में, और अब आप जब आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने 3 दिन में जो आपका प्रश्न पत्र है उसको आपने तैयार कर लिया है। जब आप महीनों तक तैयारी करते हैं किसी प्रश्न पत्र के ऊपर तब तो आपके 12 प्रश्न गलत हो जाते हैं, और अभी आपने 2-3 दिन में उस प्रश्न पत्र की क्या स्थिति होगी वो आप सबके सामने आ ही जाएगा। खैर 22 तारीख को अगर ये लोग तय समय पे उस परीक्षा को करवाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि आप एक दिन में अपना आपको खुद क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश कैसे हो सकता है? ये तो प्राकृतिक न्याय के सीधे सीधे विरुद्ध है ना कि आप अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकते। आयोग जो है स्वयं को खुद ही क्लीन चिट दे रहा है, वो तो पटवारी में तथ्य सामने निकल करके आ गए, अन्यथा ये तो पटवारी में भी अपना आपको क्लीन चिट दे देते जिस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड में दे रहे हैं। अपना आपको ये बिल्कुल दूध का साफ सुथरा बता रहे हैं कि भाई हमने जो पेपर नया बनाया है वो बिल्कुल लीक नहीं है, जब आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक लीक हो सकता है तो आपने वो पेपर कब बनाया, कहां से बनाया, जो पूरा पेपर है वो कहां है, आपने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया है। तो ऐसे में जो छात्र है जब वो 22 तारीख को परीक्षा देने जाएगा वो क्यों आप में विश्वास करे कि जो प्रश्न पत्र उसके सामने आने वाला है ये प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। इस बात पे विचार दोनों को ही करनी चाहिए, ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका है उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए और जो हमारा आयोग है उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब तक छात्रों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वरना जैसे दिनेश सर ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का समय है, और अगर छात्र एक बार जाग गया, जो कि मुझे लगता है कि अभी उस मात्रा में नहीं जागा है जिस मात्रा में उसको जागना चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि उत्तराखंड का छात्र जाग गया तो यकीन मानिए ये वही समय होगा जबकि आपको उत्तराखंड में एक संपूर्ण क्रांति देखने को मिलेगी, और इसमें शासन प्रशासन तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा आंदोलन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ये तो थी आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के बात, और हमारी पटवारी पर जो अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला और एनटी वाला एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अखबार को फॉलो कर रहे होंगे तो लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपकी जेई और एई भर्ती है उसमें आपकी भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। इसके अलावा जो अभी आरओ एआरओ एपीओ की जो भर्ती हुई थी उसमें अनियमितताएं देखने को मिल रही है, और इवन की यहां तक भी आपको अखबारों में देखने को मिलेगा कि जो 2016 की पीसीएस की भर्ती हुई थी उसमें जो एसडीएम और आपके डीएसपी के पद थे वो पद भी कुछ बिके हुए थे। तो इसकी आपकी जांच क्यों नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो इसकी जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, इसके बारे में कोई आइडिया किसी को नहीं मिल रहा है कि जिन लोगों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए उन लोगों के ऊपर अब तक गाज क्यों नहीं गिरी है। और सबसे बड़े लोक सेवा आयोग के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि उसके अध्यक्ष हैं उनके अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। कम से कम एक बार उनका नैतिक दायित्व था कि वो माफी तो मांग लेते कि पटवारी भर्ती में जो उनके आयोग के द्वारा जो अनियमितता हुई है उसके लिए माफी मांगना उनका एक नैतिक दायित्व था, और उस नैतिक दायित्व का भी उन्होंने अभी तक कोई पालन नहीं किया है। उनकी ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, उनकी ओर से छात्रों से कोई भी माफी नहीं मांगी गई है। देखिएगा
पद जब आपके पास होता है तो अहंकार आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर आती है तो वो आपको करप्ट भी उसी अनुपात में करती है, और ये हमको देखने को भी मिल रहा है। इसमें आप कोई ऐसी बात तो है नहीं कि छुपी हुई बात है, ये तो सबके सामने है कि हमारा आयोग आज की डेट में कितना करप्ट हो चुका है, वो हमको पटवारी भर्ती में देखने को मिल गया। और पटवारी भर्ती में भी आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा दोस्तों, दिन में 2 बजे आपको पता चलता है कि पेपर आपका लीक हुआ है, और शाम को 6-7 बजे तक नोटिस आ जाता है या फिर सूचना आ जाती है कि आपने अगली तिथि निर्धारित कर दी है। भाई थोड़ा उन लोगों की जांच तो कर लेते, इतनी भी क्या आपको आनंद फानंद थी कि आपको तुरंत तिथि घोषित करनी थी केवल इससे ताकि छात्र सड़कों पर ना उतर पाए, वो दोबारा से अपने पेपरों की तैयारी में लग जाए। मेरा फिर एक बारी को अनुरोध है, और एक और लोगों से जिनसे मेरे को यहाँ पर अनुरोध है, और जो देखिए दोस्तों जो कोचिंग संस्थान है मुख्यतः, आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, आप जो खा रहे हैं या फिर जो कमा रहे हैं ना वो इन्हीं छात्रों से कमा रहे हैं। और आज जो मजाक आप इन छात्रों के साथ कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ अभी तक जितने भी उत्तराखंड के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जो नामी गिनामी कोचिंग संस्थान है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता इस समय, लेकिन जितने भी ये नामी कोचिंग संस्थान है इनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कोचिंग संस्थान है ये तो इसी बुलावे में आपको रखेंगे, ये तो चाहेंगे कि अगर भर्तियां सारी निरस्त हो जाती है, दोबारा भर्तियां होती है तो इनको तो अपनी कोचिंग चलाने के लिए दोबारा से एक और संसाधन जुटाने का मौका मिल जाएगा, ये दोबारा से आप लोगों को अपने बहकावे में लेंगे, और इनको तो आप लोगों को फीस पे करनी है। लेकिन आज इन कोचिंग संस्थानों का भी एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि ये लोग सड़कों पर उतरे, ये लोग इस बात का विरोध करें, कम से कम अपना विरोध तो दर्ज कराएं किसी ना किसी माध्यम से। आप लोग यूट्यूब पे आते हैं, कैसे कह लेते हैं आप लोग कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, जब आज आपकी जरूरत है छात्रों को, उत्तराखंड के छात्रों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो तब आपकी ओर से कोई भी एक भी वीडियो नहीं आता है कि जिसमें आप कह रहे हो कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, या फिर आपने आयोग से कोई प्रश्न किया हो, या फिर आपने शासन प्रशासन से कोई प्रश्न किया हो। तो मेरी एक बार दोबारा से दरख्वास्त है उन सभी कोचिंग संस्थानों से जो इन बच्चों के नाम पर, ठीक है, इन छात्रों के नाम पर अपने कोचिंग संस्थानों का भरण पोषण करते हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, और इसके अलावा अपने इन छात्रों के नाम पर क्या क्या कर लिया वो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा फिर आप लोगों से अनुरोध है कि छात्रों के साथ सड़कों पर उतरिए, उनके समर्थन में उतरिए, वरना यकीन मानिए कि अगर आज आप इन छात्रों के साथ सड़कों पर नहीं उतरे, आज आपने इनका समर्थन नहीं किया, तो कल ये भी आपका समर्थन नहीं करेंगे, और फिर आप लोगों की क्या स्थिति होने वाली है ये भविष्य के गर्भ में भी छिपा है, और आप लोग भली भांति इस बात को समझते भी हैं। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य मुद्दे थे हमारे, इसके अलावा अगर कोई बात दिनेश सर को रखनी आप लोगों के सामने तो वो रखेंगे, और बाकी हम चाहेंगे कि सभी छात्र जो लोग किसी बहकावे में है कि बहुत फेयर परीक्षा 22 तारीख को होने वाली है, किसी बहकावे में ना रहे दोस्तों, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है अपने साथियों का सहयोग दें, सड़कों पर उनके साथ उतरे, क्योंकि तभी आपके साथ न्याय हो पाएगा। अकेले व्यक्ति की आवाज आयोग तक पहुंचेगी नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।